तेज बारिश, बाढ़ उफनते, नदी नुमान नाले की नहरों को काटते हुए चिकित्सकों की टीम सांवेर क्षेत्र में एक गांव में पहुंची, जहां किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह महिला का प्रसव करवाया गया। वहां महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। शनिवार को तेज बारिश से जहां इंदौर शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, नदी नाले लबालब हो रहे थे, तो वहीं जोरदार बारिश के बीच सांवेर क्षेत्र के खामोद कमलिया में एक मजदूर परिवार की पीड़िता को प्रसव पीड़ा हो गई, जहां प्रशासनिक लोगों की सक्रियता से गांव के अपने घर में ही महिला चिकित्सक के द्वारा सुरक्षित डिलीवरी करवाई गई। हालांकि नदी नालों में आई बाढ़ के बीच किसी हिंदी फिल्म की तर्ज पर चिकित्सकों को पीड़िता तक पहुंचाया गया। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सांवेर तहसील के अंतर्गत शनिवार को भारी बरसात के कारण नदी नाले उफान पर थे। इसी दौरान गोला गांव के सरकारी स्कूल के भवन में पानी घुस गया। खामोद गांव जाने वाले रास्ते में मोती नाले पर बनी पुल भी डूब गई। इस बीच 25 वर्षीय मजदूर महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जहां पीड़िता के पति कृष्णा ने उसके मालिक सज्जन सिंह राठौर से मदद मांगी, किंतु भारी बारिश और जलमग्न हुए क्षेत्र के कारण पीड़िता को सांवेर के अस्पताल भेजना असंभव सा लग रहा था। इस स्थिति में सांवेर के एसडीएम गोपाल सिंह भार्गव को सज्जन सिंह के पुत्र कीरत सिंह ने फोन के माध्यम से सूचना दी, जहां एसडीएम सांवेर के एसडीओपी प्रशांत भदौरिया, थाना प्रभारी मोहन मालवीय पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर एसडीएम ने इंदौर होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट सुमंत जैन से संपर्क किया, जहां होमगार्ड की एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे टीम गवाला पहुंची, जहां साबिर के सिविल अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉक्टर लता विनोलिया, स्टाफ नर्स हीरा शर्मा और आया ललित शिंदे को होमगार्ड की टीम ने उस्तैदी से कार्य करते हुए कहा कि उफनते नाले के दूसरे किनारे पर पीड़िता के पास पहुंचाया, जहां से 3 किलोमीटर दूर खामोद गांव तक डॉक्टर और टीम को कार से ले जाया गया। इधर महिला की प्रसव पीड़ा लगातार बढ़ रही थी, वहीं मौके पर पीड़िता के घर पर महिला को सुरक्षित प्रसव कराया गया। महिला ने बेटे को जन्म दिया है। टीम की सहायता से फिर से गोरा गांव पहुंची, जहां एसडीएम वर्मा, एसडीओपी भदौरिया और थाना प्रभारी मालवीय इसका इंतजार कर रहे थे। पीड़िता का सुरक्षित प्रसव कराकर जैसे ही नाव से टीम उतरी, मौके पर मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने टीम का ताली बजाकर स्वागत किया और चिकित्सक सहित टीम के सभी सदस्यों के कार्य की जमकर सराहना भी की। क्या लड़का हुआ या लड़की? क्या हुआ? लड़का हुआ है। दोनों स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है। देख सकते हैं सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम अब नदी जो है ये आई हुई है जी। सर, ये इसमें महिला को सुरक्षित उसके घर पे ही जी सारी इंस्ट्रक्शन देकर छोड़कर आए। मैडम, आपके पहुंचने के बाद ही डिलीवरी? हमारे पहुंचने के 5 मिनट पहले डिलीवरी की हो चुकी थी, पर अमल जो है अटकी पड़ी थी। उस अमल के को हम ही लोगों ने जाके निकाला और महिला को मसाज वगैरह किया, यूट्राइन मसाज जो करते हैं वो सब किया। जो मैडम रेस्क्यू हुआ, आप जो नाव से गए उसमें आपको डर लगा कहीं रास्ते में? नहीं, डर नहीं लगा, पता ही नहीं लगा हमें ऐसे रास्ते में। आपकी नाव भी कहीं फंस गई थी या कुछ पानी के बहाव के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थी उस समय, ऐसा कुछ डर था? जैसे कि ना कल रात से ही पानी गिर रहा है। डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंजिंग है कि बिकॉज लगातार ना पानी गिर रहा है, रेनफॉल की ना क्वान्टिटी भी ना काफ़ी हाई है। सो डेफिनेटली ये इश्यू होगा कि ड्रेन होने में, बट इसके बीच में सबसे ज़्यादा है ना मददगार हमारी एसडीआरएफ की ना टीम है ना साबित हुई है। हम लोग लगातार देख रहे हैं, कल इवनिंग में है ना सिंगरौल में, कालाकुंड में ना रेस्क्यू ऑपरेशन के ना वहाँ तक पहुँचना, उसके बाद आज इन्हें सांवेर में, सांवेर ब्लॉक में एक ना गर्भवती महिलाओं का ना वो इश्यू आ रही थी, बिल्कुल वहाँ से उनको ना मूव बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। फिर हम लोगों ने मेडिकल टीम को एसडीआरएफ टीम के माध्यम से ही ना मतलब गांव तक पहुँचाया। आई थिंक एक प्रॉपर है ना डिलीवरी हुआ है, मतलब वो दोनों है ना मतलब सेफ भी है। एंड इसके अलावा राव में एक है ना जैसे एक पूरा नदी के बीच में ना एक टापू जैसा बने, उसमें 21 लोग ना फंस गए थे, उसमें एसडीआरएफ टीम ने जा करके अपना रिसोर्सेज के साथ अपना ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग है ना मतलब उनका हुआ है, बहुत अच्छा साबित हुआ है कि उन लोगों ने सारे रेस्क्यू कराए। अभी भी एक महू में, एक और है ना रपटा में एक ना गाड़ी फंसी है, उसमें एसडीआरएफ आज मुझे लग रहा है एसडीआरएफ टीम ने 4-5 ना साइट्स में एक साथ है ना राव किए हैं। वही हम लोग जनरल से भी यही बात हो रही थी कि हम लोग है ना इन टीम को है ना वापस आओ, कितने भी लोग अच्छे काम करें सम्मान भी करेंगे। एंड लगातार एस डी आर एफ की वर्क है वो ना जनता के समक्ष में रखने का जरूरत है, सो दैट है कि वो टीम है ना और मोटिवेटेड होते हुए काम करेंगे। और वैसे अभी पानी और गिर रहा है, सो हम लोग लगातार है ना इसको निगरानी बढ़ाए रखेंगे। एस डी आर एफ एंड होमगार्ड की टीम, हमारे रेवेन्यू पुलिस, नगर निगम की ना टीम भी है ना। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।